हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू जीके रिव्यू चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का जीके रिव्यू चैनल पर स्वागत है। सो हाउ आर यू गाइस, आई होप यू गाइस आर गुड एंड हेल्दी। सो चलते हैं हम अपने आज के सेशन की ओर। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस ऑफ 27 जून 2020। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल टिल नाउ, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। First we have, who inaugurated a two-day digital conference on the defense and aerospace manufacturing sector defense conclave 2020 Gujarat via video conference on 26th June. So कौन से मिनिस्टर ने हाल ही में दो दिन की जो डिजिटल कॉन्फ्रेंस है उसको इनोग्रेट किया है? It was related to defense and aerospace manufacturing sector और ये defense conclave 2020 का एक पार्ट था। गुजरात में ये इनोग्रेट हुई है 26 जून को। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस इन्होंने इनॉग्रेट की है, जिनका नाम है श्रीपद यसो नायक। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और ये जो कॉन्क्लेव है ये ऑर्गेनाइज की गई है दो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, दैट इज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड गुजरात एंड सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स। देते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। द CCEA That is the Commission of Cabinet Economic Affairs has approved additional investment of how much by ONGC Videsh Limited towards further development of blocks A1 and A3 block of Shu oil and gas project in Myanmar. So CCEA ने approve दिया है कि ONGC Videsh Limited अब एक additional investment कर सकती है जो Myanmar की जो oil and gas project है Shu, जिसका meaning होता है गोल्डन। सो इस ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट के अंदर जो ONGC विदेश लिमिटेड है ये अपना एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर सकती है ताकि इनके जो ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट के जो ब्लॉक्स है उसको डेवलप कर सके। तो कितना एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? सो इट इज़ $121.27 million, $121.27 million का एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? और अगर आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये जो अबव एक्सप्लेनेशन है आप इसको पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। हु होस्टेड द रशिया इंडिया चाइना फॉरेन मिनिस्टर लेवल वर्चुअल कॉन्फ्रेंस फॉलोइंग द क्रॉस बॉर्डर क्लैश बिटवीन इंडिया एंड चाइनीज ट्रूप्स इन गलवान वैली। सो हाल ही में किसने होस्ट किया है रशिया इंडिया चाइना फॉरेन मिनिस्टर लेवल वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, जबकि हमें पता है कि इंडिया और चाइना के बीच में अभी एक क्रॉस बॉर्डर क्लैश भी हो गया था एट गलवान वैली। और ये जो क्लैश हुआ था सो ये बिगेस्ट कन्फ्रंट्रेशन था, मतलब 45 इयर्स के बाद में। क्लियर है? सो इट वाज होस्टेड बाय रशिया। यार हम सबको मिलके एक चाइना के खिलाफ एक स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि चाइना आपको पता ही है कि सबसे बड़ा है लैंड थेफ्ट, मतलब जो ज़मीन हड़पने में। एक इंडिया ही कंट्री नहीं है, नेपाल भूटान एंड रशिया की भी इसने लैंड पे कुछ जगहों पे कब्जा कर चुका है। सो अब ये पीक टाइम है कि जो बाकी जो कंट्रीज है, मतलब यूएन को खुद को खड़े होकर एक स्टैंड लेना चाहिए कि जो चाइना कर रहा है वो बिल्कुल गलत है। क्लियर है? लेकिन इस मामले में यूएन आगे नहीं आएगा, क्योंकि यूएन के जो मेन मेंबर्स उसमें चाइना आता है और चाइना की बड़ी फंडिंग होती है। क्लियर है? तो ये सब एक सिस्टमेटिक तरीके से जो प्लेटफॉर्म में खड़ा किया गया है चाइना ने। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। 45th एडिशन ऑफ टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 विच इज टू बी हेल्ड वर्चुअली विल बी हेल्ड ऑन विच डेट्स। सो 45th एडिशन ऑफ टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 जो कि वर्चुअली हेल्ड होगा, ये कौन सी डेट्स को लॉन्च होंगे? सो ये हमारे होंगे September 10 to 19 September 2020। और मेन इम्पॉर्टेंट ये है कि प्रियंका चोपड़ा और फिल्म मेकर अनुराग कश्यप को लिस्ट किया गया है एम्बेसडर इन द लिस्ट ऑफ 50। जो 50 एम्बेसडर्स है उनकी लिस्ट में इनका भी नाम आया है, प्रियंका चोपड़ा एंड फिल्म मेकर अनुराग कश्यप। ये इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। Who has launched e-blood service mobile app developed by the e-Raktosh team of CDAC India for easy access to blood needed for transfusion?
सो हाल ही में किसने ई ब्लड सर्विसेज एक मोबाइल ऐप है जो लॉन्च की है और ये जो डेवलप की गई है ई रक्तोष के द्वारा जो कि सीडा की एक टीम है, इंडिया फॉर इजी एक्सेस टू ब्लड नीडेड फॉर ट्रांसफ्यूशन। ट्रांसफ्यूशन का मतलब ये होता है कि आप एक पर्सन को एक पर्सन दूसरे पर्सन को जो भी ब्लड प्रोडक्ट्स देता है जैसे ब्लड प्रोडक्ट्स में ब्लड प्लेटलेट्स भी आते हैं और भी चीज़ें आती है। सो इसको किसने इनॉग्रेट किया है, लॉन्च किया है? सो इट इज़ लॉन्च बाय डॉक्टर हर्षवर्धन, जैसा कि आपको पता है कि मिनिस्टर यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ है। क्लियर है? और अगर सी डेक का अगर फुल फॉर्म देखें तो इट इज डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। द कैबिनेट हैज ऑल्सो अप्रूव्ड अ स्कीम फॉर इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ हाउ मच परसेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स टू ऑल शिशु लोन अकाउंट्स अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना टू एलिजिबल बोरोस। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं कि शिशु लोन अकाउंट्स, जो भी शिशु लोन अकाउंट से लोन बोरो करता है बैंक से, ये शिशु लोन है, ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के द्वारा एक स्कीम है। इसके अंदर जो लोन्स है वो दिए जाते हैं। तो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल अगर मानव शिशु लोन के द्वारा 2 लाख का लोन लेता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर रही है कि कुछ परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, मतलब जो इंटरेस्ट लग रहा है उसके ऊपर भी कुछ परसेंटेज का जो इंटरेस्ट है, ठीक है, कुछ परसेंटेज है वो खुद गवर्नमेंट पे करेगी। जैसे लेट सपोज अगर आपका जो 4% आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो गवर्नमेंट अगर कह रही है कि हम 2% है जो इंटरेस्ट के ऊपर जो परसेंटेज है वो हम पे करेंगे। तो 4% है, 4% का वापस आप निकाल दीजिए 2%। क्लियर है? सो इतना परसेंटेज गवर्नमेंट पे करेगी। सो इंटरेस्ट सबवेंशन कितना है इस स्कीम के अंदर? सो इट इज 2%। इट इज 2%। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। IMF इन द जून 2020 अपडेट अ क्राइसिस लाइक नो अदर एंड अनसर्टेन रिकवरी ऑफ इट्स फ्लैगशिप वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक हैज प्रेडिक्टेड दैट द इंडियन इकोनॉमी विल हैव हाउ मच परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन इन 2020। सो हाल ही में IMF ने, जो कि इनका एक फ्लैगशिप है जिसका नाम है अ क्राइसिस लाइक नो अदर एंड अनसर्टेन रिकवरी, जो कि आपको पता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ही संभालती है इसको। सो इन्होंने हाल ही में प्रिडिक्ट किया है कि इंडियन इकोनॉमी और कितना परसेंट गिर जाएगी 2020 में। सो इट इज 4.5%। और ये बिगेस्ट एवर ड्रॉप है सिंस 1961। और किस कारण है आप सभी को पता है, ड्यू टू कोरोना वायरस एंड पेंडेमिक। क्लियर है? सो अभी टाइम लगेगा वापस रिकवर होने में। तो आप देख लीजिए बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट्स, जो ऑर्गेनाइजेशन है जो GDP और इकोनॉमी देती है, वो सब हर कोई जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डाउनग्रेड ही कर रही है हर किसी कंट्री को। क्योंकि तो आप देख लीजिए जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो भी आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि कितनी परसेंट हो गई है। मैंने बहुत पहले 2-3 महीने पहले देखा था, इट वॉज अराउंड 0.2% समथिंग। तो आप चेक कर सकते हैं गूगल पे। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। Who has been appointed as Chief Secretary of Maharashtra Government? So Maharashtra Government ने हाल ही में एक नया Chief Secretary बनाया है। Clear है? So इनका नाम क्या है? इनका नाम है संजय कुमार, जो कि अजोय मेहता को रिप्लेस करेंगे जो कि रिटायर होने वाले 30th जून। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। Who becomes the first female president of Melbourne Cricket Club in 233 years? तो 233 ईयर तक, मतलब उससे पहले मतलब कोई नहीं था मेलबोर्न क्रिकेट क्लब का प्रेसिडेंट। तो पहली बार एक फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। इनका नाम है क्लेयर कॉनर। आपको पता होगा कि जो प्रेसिडेंट है वो पहले कौन थे, कुमार संगकारा। अभी कुमार संगकारा को रिप्लेस करेंगे। क्लियर है? सो ये एक ऑलराउंडर है और ये इंग्लैंड वुमेन क्रिकेट टीम क्रिकेट कैप्टन भी रह चुके हैं एंड शी इज 43 इयर्स ओल्ड। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। देखो यहाँ पे जो सोचने वाली बात ये है कि जो मेलबोर्न क्रिकेट क्लब है, जो मेरे लिए भी एक शॉकिंग है कि 233 इयर्स पुराना है, 233 साल पुराना है। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे।
कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द फर्दर एक्सटेंशन ऑफ द टर्म ऑफ द कमीशन फॉर्मुलेटेड टू एग्जामिन द इश्यूज ऑफ सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस बाय हाउ मेनी मंथ्स। सो कैबिनेट ने हाल ही में जो फर्दर एक्सटेंशन दिया है, एक कमिटी बनी थी कि जो ओबीसी की जो सब कैटेगराइजेशन है उसके जो इश्यूज है उसको एग्जामिन कर रही थी। सो इस कमिटी को फर्दर कितना एक्सटेंशन मिला है, इस कमिटी को फर्दर 6 मंथ्स का एक्सटेंशन मिला है। क्लियर है? ये कमेटी इस पर भी मतलब अपने डिसीजन देगी कि जो ओबीसी जो कास्ट है, जो भी पर्सन है जो बिलोंग करते हैं अदर बैकवर्ड कास्ट से, उनको किस तरीके से बेनिफिट मिल रहा है और कैसे इसमें चेंज कर सके ताकि ज़्यादा बेनिफिट मिल सके ओबीसी कास्ट के लोगों को। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स में। अकॉर्डिंग टू द एनुअल इंडिया टीबी ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2020, देयर वॉज अबाउट हाउ मच परसेंट इंक्रीज इन टीबी पेशेंट एज कम्पेयर टू द ईयर 2018। सो अभी हाल ही में आपको पता है कि इंडिया ने ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट निकाली 2020 में। सो हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज हुए टीबी पेशेंट एज कम्पेयर टू 2018। सो सबसे पहली बात, टीबी रिपोर्ट लॉन्च किसने की है? हमारे हेल्थ मिनिस्टर डेट इज हर्षवर्धन ने। सो कितने परसेंट टीबी पेशेंट्स इंक्रीज हुए हैं? इट्स अराउंड 14%। और इस रिपोर्ट में एक नई चीज देखने को ये मिली है कि अब जो रिपोर्ट आई है ये क्वार्टरली बेसिस पे, मतलब क्वार्टरली बेसिस पे कंट्रीज और यूनियन टेरिटरीज को एनालिसिस किया गया है कि कितने पेशेंट्स रिकवर हुए हैं, कितने और इंक्रीज हो गए टीबी के। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पर। विच एयरपोर्ट बिकम्स द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू गेट एन इंडिजिनसली डेवलप्ड एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम एट बोथ एंड्स ऑफ द रनवे। सो हाल ही में कौन से एयरपोर्ट को इंडिजिनसली डेवलप, मतलब इंडिजिनसली डेवलप मतलब जो भी जो डेवलपमेंट हुआ है वो इंडियन ओरिजिन से हुआ है। सो इनको एक नया एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल गया एट द बोथ एंड्स, मतलब स्टार्टिंग में जो रनवे है और जो डेस्टिनेशन पे रनवे, इन दोनों एंड्स के ऊपर वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम होगा। सो ये कौन सा एयरपोर्ट है? इट्स कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अच्छा, ये एयरपोर्ट कहाँ पर है? ये बेंगलुरु कर्नाटका में। सो पहला ऐसा एयरपोर्ट है जो एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम इसे मिला है। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पर। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इन इट्स थर्ड एंड फाइनल प्लीनरी मीटिंग अंडर द चाइनीज प्रेसिडेंसी ऑफ शियांगमिन ल्यू रिटेन्ड पाकिस्तान ऑन द ग्रे लिस्ट टिल विच मंथ। अब देख लीजिए, अब देखो चाइना यहाँ पे पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, मतलब जो पाकिस्तान की जो करतूत है उस हिसाब से तो इसको क्या ब्लैक लिस्ट में डाल देना चाहिए, लेकिन वही है, चाइना एक सपोर्टिंग हैंड प्ले कर रहा है यहाँ पे, उसे हर बार कह रहा है कि नहीं आप ग्रे लिस्ट में डालिए। क्लियर है? सो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो थर्ड फाइनल प्लीनरी मीटिंग है, मीटिंग थी, इसके अंदर जो प्रेजिडेंट थे चाइनीज मिनिस्ट्री के, शियांगमिन लू, इन्होंने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का जो डिसीजन लिया है। और कितने कौन से मंथ तक इस ईयर की? सो इट्स जुलाई 2020। देखते हैं कि कब तक ये फासला चलता है। तो जुलाई 2020 तक ये डिसीजन लिया गया है कि अभी भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा। और क्यों रखा गया ग्रे लिस्ट में ये भी जान लीजिए, फॉर फेलिंग टू प्रोसिक्यूट एंड पिनलाइज टेररिस्ट फाइनेंसिंग इन द कंट्री बिफोर द डेडलाइन फिक्स्ड बाय फेटक। मतलब ना तो ये अभी तक जो टेररिस्ट है उन्हें प्रोसिक्यूट कर पाई है, उनको सजा दे पाई है। क्लियर है? कोई भी जो फाइनेंसिंग हो रही है टेररिस्ट की वो अभी भी इस कंट्री में नहीं रुक पा रही है। और अभी आपको पता ही है कि हाल ही में जो इमरान खान ने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्पीच दी थी अपने पार्लियामेंट में, इन्होंने बता दिया है कि जो ओसामा बिन लादेन है वो शहीद हुए थे। तो देख लीजिए कैसे एक टेररिस्ट को एक इनडायरेक्टली सपोर्ट मिल रहा है। सो इट वॉज अ शेमफुल स्पीच बाय इमरान खान ऑन दैट पार्लियामेंट्री सेशन। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पर। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार स्कीम टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन किट्स टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। सो हाल ही में किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार स्कीम, जिससे न्यूट्रिशन किट प्रोवाइड करेंगे प्रेग्नेंट वुमेन्स को एंड लैक्टेटिंग वुमेन। लैक्टेटिंग का मतलब होता है कि व्हेन आर मदर्स आर एबल टू प्रोड्यूस ब्रेस्ट मिल्क। क्लियर है?
तो ये कौन सी जो स्टेट है, इट्स त्रिपुरा गवर्नमेंट जिन्होंने हाल ही में लॉन्च किया है ये स्कीम। इस स्कीम का नाम याद कर लीजिए, मुख्यमंत्री मैत्रु पुष्टि उपहार स्कीम। क्लियर है? द स्कीम वॉज अनाउंस बाय द स्टेट मिनिस्टर फॉर सोशल वेलफेयर एंड सोशल एजुकेशन संताना चकमा। द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स टू इनकर एन एक्सपेंसेस ऑफ अबाउट ₹8 करोड़ एनुअली फॉर दिस स्कीम। सो त्रिपुरा गवर्नमेंट ने ये भी सोचा है कि वो 8 करोड़ का जो एक्सपेंस है वो उठाएगी एनुअली इस स्कीम। लेते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स। द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड एन ऑर्डिनेंस टू ब्रिंग नियरली 1482 अर्बन एंड 58 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स अंडर हुज सुपरविजन। तो हाल ही में कैबिनेट ने डिसीजन लिया है कि 1482 अर्बन और 58 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है वो अब आरबीआई के अंडर आएंगे। क्लियर है? सो किसने लिया है ये डिसीजन? अभी आरबीआई के अंडर में आएंगे तो आरबीआई ने लिया होगा ना। तो आपको पता ही है कि आरबीआई की जो पावर्स है शेड्यूल बैंक्स पे है, और अब इन पे भी अब ये जो है वो कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल इन सेंस मैनेज करेंगे। अगर आरबीआई के अंदर चीजें रहेगी तो लोगों को और भी ज्यादा विश्वास होगा। क्लियर है? लोगों को जो अपना जो पैसा डिपॉजिट कराते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स में, उनको एश्योरेंस होगा उन पैसों का। क्लियर है? तो चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। विच कंट्री इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू कंट्रोल डेजर्ट लोकस्ट यूजिंग ड्रोन। तो ऐसी कौन सी पहली कंट्री है जिन्होंने जो डेजर्ट लोकस्ट को कंट्रोल किया है वाया ड्रोन? सो इट्स नन नन ऑफ द अदर, इट्स इंडिया, ऑप्शन नंबर डी। सो इंडिया ने कंट्रोल किया। आपको पता ही है कि जो जो ड्रोन से जो जो भी जो केमिकल्स है उसका छिड़काव किया था ताकि जो लोकस्ट है वो वहां से हट जाए। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग विद विच कंपनी हैव जॉइंटली लॉन्च फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है स्किल बिल्ड रीइग्नाइट एंड स्किल बिल्ड इनोवेशन कैंप। सो कौन सी जो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग है जो किस मतलब सॉरी कौन सी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग है जिसने किसी कंपनी के साथ जॉइंटली लॉन्च किया है फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। सॉरी अगर मैंने कुछ रॉन्गली प्रोनाउंस किया हो। सो इन्होंने जो डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग है उसने कौन सी कंपनी के साथ मिलके एक जॉइंटली कैंपेन या प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम है स्किल बिल्ड रीइग्नाइट एंड स्किल बिल्ड इनोवेशन कैंप। सो इट इज एमएसडीई। एमएसडीई के लिए किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप आईबीएम के साथ। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग अंडर द एगिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो कि एमएसडीई के अंडर आती है डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग, इसने आईबीएम के साथ में मिलके दो डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम है स्किल बिल्ड रीइग्नाइट एंड स्किल बिल्ड इनोवेशन कैंपेन, ताकि जो भी जो जॉब सीकर्स है या फिर बिजनेस ओनर्स है इनको एक नई मदद नए रिसोर्स मिल सकते हैं, नई हेल्प मिल सकती है। क्लियर है? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन एंड सॉरी अगर मैंने किसी चीज को गलत प्रोनाउंस कर दिया है। क्लियर है? क्योंकि मेरे को क्या हर बार टंग ट्विस्ट हो जाता हूँ मैं कभी कभी। सो सॉरी फॉर डैट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड एंजॉय द डे।